दोस्तों आज हम लगाने जा रहे हैं जेड प्लांट की कटिंग। ये आप देख सकते हैं एक बड़ी सी हांडी में हमने जेड प्लांट लगाए हुए हैं, तो यहाँ से हम कटिंग सेलेक्ट करेंगे। हालांकि कटिंग लगाने में मुझे काफ़ी देर हो गई है क्योंकि मुझको टाइम नहीं सही से मिल पा रहा था। अगर कटिंग अब से 2 महीने पहले लगाई जाती, 3 महीने पहले लगाई जाती तो बहुत अच्छी ग्रो होती, लेकिन अब भी ग्रो हो जाएंगी, लेकिन अब थोड़ा जो है ग्रो होने में कटिंग जो है हमारी फेल भी हो जाती हैं। लेकिन हम अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, मई के महीने में लगाएं तो कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले कटिंग्स ले लेते हैं। कटिंग्स हमको किसी भी तरह की, छोटी कटिंग हो, बड़ी कटिंग हो, सभी तरह की ले लेते हैं और जेड की सभी तरह की कटिंग जो है वो हमारी ग्रो हो जाती हैं। तो आप किसी भी तरह की कटिंग ले लीजिएगा। और दोस्तों एक बात यह है कि जेड में हमको कोई भी कटिंग फेंकनी नहीं है, जो छोटी कटिंग भी बचती है हम उसको भी लगा देना है, वो सभी कटिंग हमारी ग्रो हो जाती हैं। तो कुछ कटिंग पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये कुछ कटिंग मैंने सेलेक्ट की हैं। अब हमको करना यह है, जिस तरह से आप ये कटिंग देख रहे हैं तो इसके नीचे की साइड के 2 से 3 इंच तक हमको सारे पत्ते हटा देने हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें पीछे की साइड से हर कटिंग को, यहाँ से सारे पत्तों को हटा देना है। और इसी तरह से जितनी हमारी कटिंग है हम उनके पीछे के पत्तों को हटाते जाएंगे। तो दोस्तों ये सभी कटिंग्स हमने तैयार कर ली हैं और जैसा कि मैंने बताया कि इनके पीछे की साइड से 1 से 2 इंच तक के जो पत्ते हैं वो हमने हटा लिए हैं। अब हम इनको मिट्टी में लगाते हैं और वो पूरा प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों ये हमने ली है मिट्टी, नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है और इसमें हम 20% से ज़्यादा ये गोबर की खाद मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसमें हम अपनी कटिंग्स को लगाएंगे। तो अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों कटिंग्स में लगा रहा हूँ 1-10 इंच के बोनसाई पॉट में। इसका जो नीचे का ड्रेनेज होल होता है इसके ऊपर एक मैं पत्थर का टुकड़ा रख रहा हूँ और अब इसमें हम मिट्टी भरते हैं। दोस्तों इस तरह के पॉट में लगाने का कटिंग को फ़ायदा ये होता है कि इन पॉट में हम जो है कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और वो जो हमारी कटिंग है जब ग्रो होती है तो उसकी जड़ें भी आसानी से फैल जाती हैं, जो हमारे चौड़े साइज़ के पॉट होते हैं। तो इस तरह के खुले पॉट में हम कटिंग लगाएं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों मिट्टी में एक बार हम कटिंग लगाने से पहले पूरी तरह पानी डालेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है वो नीचे तक की सतह तक बिल्कुल भीग जाए, और फिर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे जब तक ये पानी जो है वो नीचे नहीं पहुंच जाता। और जब ये पानी खुश्क दिखाई देगा तब हम अपनी मिट्टी में कटिंग लगाएंगे। दोस्तों पानी जो है वो ऊपर की सतह से खुश्क हो गया है। अब हम कटिंग लेंगे और उसको 2 इंच तक मिट्टी में दबा देंगे। इस तरह से कटिंग लेनी है और हर कटिंग 2 से 3 इंच के गैप के साथ हमको लगाते जाना है। कटिंग में गैप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि हमारी कटिंग जब प्लांट बनने लगे तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। कटिंग्स के बीच 2-3 इंच का गैप काफ़ी होता है, तो इतना गैप हम रखेंगे तो ये कटिंग के लिए काफ़ी होगा। और दोस्तों एक बात और ये है कि जब कटिंग लगाएं तो उसके बाद कटिंग को उसकी साइडों से दबा दें, जिससे कि वो कटिंग स्टेबल होकर मजबूती के साथ मिट्टी में गड़ जाए और ये हवा की वजह से हिलती ना रहे। अगर हवा से हमारी कटिंग हिलेगी तो उसके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह हमको सारी कटिंग्स को लगाते जाना है। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि अगर हमारे पास छोटी कटिंग भी है, ये आप देखिए एक बहुत छोटी सी कटिंग है, इसको भी हम लगा देंगे और इससे छोटी भी कटिंग होगी तो उसको भी हमको वेस्ट नहीं करना है, उसको भी लगा देना है। जेड की छोटी से बड़ी सब तरह की कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारी कटिंग लग के तैयार है। अब हम इनको थोड़े शेडी एरिया में रखें, बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें और 3 से 4 दिन बाद फिर जाएं जैसी जगह पर हम इनको रख सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों जेड के बारे में इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल साए में भी नहीं रखना, यानी कि किसी बंद एरिया में या इंडोर नहीं रखना है, बल्कि थोड़ा किसी जहाँ सूरज की लाइट भी आती हो, रोशनी भी आती हो, ऐसी जगह पर आपको कटिंग को रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सीख लिया होगा कि जेड की कटिंग किस तरह लगानी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।